बिस्मिल दोस्तों अस्सलाम वालेकुम मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से, से होंगे आज आज एक नई एपिसोड के साथ आपके सामने पेशे खिदमत हूँ आज मैं लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ आई आर टी -सी, सी से किनेडा इस टाइम प्रोसेसिंग में कितना टाइम ले रहा है और प्रोसेसिंग कर कौन रहा है जो तो सबसे मेन पॉइंट है कि जो एप्लीकेशन आप डाल रहे हैं ये प्रोसेसिंग कर कौन रहा है कंप्यूटर कर रहा है या इंसान कर रहा है इस पर मैं आपको एक प्रूफ दिखाऊँगा इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे टॉपिक पे जाने से पहले एज यूजल मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिले आपको और हमारा फेसबुक पेज जो है नायल कंसिलेंट उसको भी आप लाइक और फॉलो करें दोस्तों मैंने कहा था टू था थाउजेंड था जो है 2022 जो है एक कैनेडा का एक ऐसा साल होगा जिसमें काफ़ी चेंजेस की जाएंगी और वो चेंजेस टफ चेंजेस नहीं हैं वो चेंजेज सिर्फ और सिर्फ लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए है जिसमें आपकी प्रोसेसिंग तेज़ करना प्रोसेसिंग को अच्छे तरीके से प्रोसेस करना वीज़ा इशू करवाना हर कैटेगरी में ये आप मैं अल्फाज लिख लें आप क्योंकि कहना है दो ढाई साल वीज़ा इशू नहीं किया उन्होंने कहा जिन्होंने अप्लाई किया वो री अप्लाई करें उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है अभी ट्वेंटी फोर्थ जनवरी को आई आई सी ने एक प्रेस रिलीज जारी की है वो प्रेस रिलीज़ ये है कि कैनेडन इमिग्रेशन ये ऐसा सिस्टम लेके आ रही है ऐसा डेटा बेस सिस्टम लेके आ रही है जो एट्टी सेवन परसेंट फास्टर काम करेगा जो कि एट्टी सेवन परसेंट तेज काम करेगा बाकी सिस्टम से और ये किस वीजे के लिए यहां पे क्लियरली मैं टीआरबी टेम्प्रेरी रेजिडेंस वीजा जो है जिसको हम आम अल्फाज में विस्टर वीजा और वीजा कहते हैं और इस लेटर में क्लियर है आउटसाइड कैनेडा जो लोग कैनेडा से बाहर कैनेडा के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए सिस्टम ला रहे हैं मैं आपको सिस्टम लेकर चलता हूं पहले वो प्रूफ दिखाता हूँ उसके बाद बात करेंगे हम लोग इस टाइम हम लोग जी सिस्टम पे आ चुके हैं ये कैनेडा की ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा एडवांस डाटा एनालिप आई आई सी सी ऑफिसर्स सॉल्व एंड प्रोसेस टेम्परेरी रेजेंस वीज़ा सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम के जरिए आई आई सी सी ऑफिसर जो स्टाफ होगा वो डिसाइड कर पाएगा ये ट्वेंटी फोर्थ की प्रेस रिलीज प्रेस है मैं आपको इसका जो इसका शॉर्ट बताता हूँ कि ये यहाँ पर क्लियरली मैंशन है जी कि ऐसा सिस्टम लाया जा रहा है जो टेम्परेरी रेजेंस वीज़ा जिसका हम डिजिटल वीज़ा और टोल वीज़ा कहते हैं इसको प्रोसेस करेगा ये इस किस के किस प्रोसेस थ्रू करेंगे एडवांस डेटा एनालिटिक्स जो कि हेल्प करेगा आईसीसी ऑफिसर्स को कि इसको सॉर्ट आउट करे किस को वीजा देना है किस के कि थ्रू वीजा देना है किस किस फिल्टर के और सिर्फ वो क्या है कि जो वो एप्लीकेशन जो आउटसाइड कैनेडा जो कैनेडा के बाहर से सबमिट किए गए हैं दूसरे प्लस पॉइंट ये विल कंटिन्यू टू मेक फाइनल डिसीजन ऑल एप्लीकेशन ओनली बाय सिर्फ और सिर्फ वीजा एप्लीकेशन पे रिफ्यूजल या एक्सेप्टेंस सिर्फ और सिर्फ आई आई सी सी ऑफिसर्स ही कर पाएंगे और कोई लॉयर कोई इसमें कोई सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होगा ये क्लियर इन्होंने बोर्ड लिखकर लगाया वो ओनली एन आई आर सी ऑफिसर कैन रिफ्यूज एन एप्लीकेशन रिफ्यूज नहीं करेगा और ये एक लेंथी लेटर है इसमें जो मेन जो मैंने पॉइंट बताने वाला है वो ये है कि देखिए एट्टी सेवन परसेंट फास्टर इन्होंने सिस्टम जनरेट किया प्रोसेस करेगा आपकी अपल्लीकेशन को ये आप कंप्लीट मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में या आप ये पढ़ सकेंगे मैं इसको इसका आपको तो जो खुलासा है वो मैं आपको बता चलता हूँ दोस्तों इसके थ्रू इसके थ्रू होगा क्या रिसेंटली कैनेडा ने क्या किया रिसेंटली कैनेडा ने एक सिस्टम जनरेट किया था तकरीबन आप कह लें कि सितंबर सेवन सितंबर के बाद सिस्टम जनरेट किया उस सिस्टम के थ्रू कुछ लोगों को उस सिस्टम के थ्रू कुछ लोगों को एक दिन भी कैनेडा ने रिफ्यूज़ किया वो जिस वो जो, जो रिफ्यूजल लेटर है जो लोग सुन रहे हैं प्लीज गौर सुनिएगा वो रिफ्यूजल लेटर वो सिस्टम ने रिफ्यूज़ किया आपको कैनेडियन के, इमिग्रेशन ऑफिसर ने रिफ्यूज नहीं किया सिस्टम दुनिया में उसने एक एक पैनिक क्रिएट किया वो फ्लॉप हो गया और मेरी रिक्वेस्ट है जिन लोग मेरे पास आए कुछ लोगों ने कहा समीर भाई हमने आज अप्लाई किया और कल ही रिप्लाई आ गया तो वो सिस्टम जनरेटेड रिफ्यूजल है उसको कंसिडर मत करें आप नया केस डालें और उसमें मैंशन करें कि यह सिस्टम जनरेटेड रिफ्यूजल जो है प्लीज़ इसको कंसिडर मत करें आप नया केस रिअप्लाई करें काफ़ी लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिक वीडियो है काफ़ी लोगों के लिए बेनिफिट है जिन लोगों को कैनेडा ने तीन चार दिन रिफ्यूज किया आप ये मायने बिठा लें यह सिस्टम जनरेटेड रिफ्यूज़ल है ये एरर है ये ह्यूमन एरर नहीं है यह सिस्टम से एरर है यह आई ने रिफ्यूज नहीं किया आपको अब सिस्टम ऐसा लाया जा रहा है आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक लेटर लिखा अपनी मिशन मिनिस्टर को कि ऐसा सिस्टम लाया जाए जिससे कि सबसे बड़ा इस टाइम प्रॉब्लम कैनेडा में पहुंच टाइमिंग का है आप लोग कुछ लोग पढ़ते हैं कि वेबसाइट पे डेज लिखा 35, वो मैक्सिमम टाइम है उसको प्लीज माइंड से निकाल दें कुछ लोग कह रहे हैं भी, भी रिप्लाई नहीं आ रहा ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी को रिप्लाई आया लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है प्रॉब्लम यहाँ होता है जिन जहां पे अप्लाई करते हैं आप लोग या वो प्रॉपर अप्लाई नहीं करते जिसकी वजह से सिस्टम आपके फाइल लेके नहीं आगे चलता आगे या आपको पता नहीं होता है वो रिप्लाई आया होता है आपकी मैंने पता नहीं होता है। मैं इसलिए कहता हूं बार बार हमेशा जहां से भी अप्लाई करवाएं अपना जीसी अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड लें या आपका राइट है एक्सेस करें देखें उसके अंदर तब ही आपको आइडिया होगा मैं रिप्लाई आया नहीं आया मकसद क्या है वीडियो बनाने का आई कि अब सिस्टम जो कैनेडा सिस्टम जनरेट करेगा बहुत फास्ट काम करेगा फास्ट कुछ लोगों की हमारे वीजा दस दिन भी लगें फिफ्टीन डेज भी लगें फाइव डेज में वीजा रिस्पॉन्स आया कैनेडा का तो अल्लाह पाक मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक कामयाब करे अल्लाह पाक ये जो कैनडा ने बातें की हैं ये रियलिटी भी हों और मुझे पता है कि 2022 इनका टारगेट का साल होगा जहां पे ये विस्तर वीजाज वर्क परमिट इमिग्रेशन ये लोग देंगे लोगों को एक जो एक ट्रस्ट का बहाल टूटा दो हज़ार दो साल पहले वो ट्रस्ट बहाल करेंगे ये मेरे अल्फाज लिख लें आप लोग मैं ये नहीं कहता कि नायल ही कर रहा है अप्लाई जहाँ से अप्लाई करेंगे कैनडा मोस्टली इस साल वीजा इशू करेगा और मेरी दुआ है कि आप लोग भी इस जो जो कैटेगरी है उसमें आप लोग फॉल कर सकें ये वीडियो शेयर करें और आपकी वीडियो पूरी सुननी है क्योंकि इसमें काफी इन्फॉर्मेशन उन लोगों की मैं दे चुका हूं कि जिन लोगों का रिजेक्ट हुआ एक दो दिन के अंदर वो री अप्लाई का एक ऑप्शन बन चुका है उनके लिए जिन लोगों को बेस्तिस एलिगेशन पे रिजेक्ट किया गया उनके पास एक ऑप्शन है वो री अप्लाई करेंगे अब जो रिजेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इंसान करेगा आदमी करेगा जो ट्रेंड बाय आई लॉयर आई इमिग्रेशन होगा वो देखेगा फाइल ससमिट करेगा और फिल्टर के थ्रू अभी फाइल देखेगा ये मेरी नज़र में इस टाइम सबसे जबरदस्त प्रो कैंडल लेके आया इतने सालों में मजीद अगर इन शाला कोई कोई अपडेट हुई तो मैं शेयर करूंगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज